नमस्कार किसान भाइयों, आज हम बात करने वाले 1744 में पंजा की रोटावेटर की कल्टीवेटर की परफॉर्मेंस। हम तीनों की परफॉर्मेंस दिखाएंगे कि बेस्ट परफॉर्मेंस किस में देता है। हाँ तो किसान भाइयों, क्या है ये अपना 1744 एफपी वाला मॉडल है, 50 एचपी कल्टीवेटर है, जिसमें अपन ये रोटावेटर चला रहे हैं अभी 6 फीट का। तो इसकी परफॉर्मेंस फिर हम आपको पंजे की परफॉर्मेंस। हाँ तो किसान भाइयों, ये थी अपनी रोटावेटर की परफॉर्मेंस। अब दिखाते हैं पंजे की परफॉर्मेंस। तो किसान भाइयों, ये है अपना पंजे की परफॉर्मेंस, जो ये इधर अपना ये 1744 अपना ये पंजा कर रहा है। उधर की मिट्टी क्या है, काफ़ी ज़्यादा जब है इधर कम से कम 4 या 5 साल से खेती नहीं हो रही थी। रोड के किनारे था तो बाउंड्री नहीं थी, इसलिए खेती नहीं हो रही थी। अब बाउंड्री रोड के साइड साइड बन गई है, अब बगल नहीं मैं तो अब बाउंड्री बन गई है। तो अब किसान भाइयों, जो मिट्टी है इसकी काफ़ी ज़्यादा जड है, तो इसकी परफॉर्मेंस देखे पंजे में कितनी जड में किस तरह चल रहा है। से क्या होगा, डीजल आपका कम खाएगा और टायर भी रोलिंग नहीं करेगा, समय में काम जल्दी होगा, ये मेन चीज़ होती है, ठीक ना। अब देख लीजिए, अब ये ट्रैक्टर हमारा बिना ड्राइवर के चल रहा है, तो मतलब ड्राइवर को तभी आराम होगा जब ये आपका ट्रैक्टर कुछ इस कंडीशन में चलेगा। इस ये नहीं कि बेर बार आप लीवर उठाइए धरिए धरी उठाइए धरिए रोलिंग कर रहा, तो ऐसे में आपका ट्रैक्टर जो है एवरेज नहीं देगा, ठीक ना। अपने को चलाना है ट्रैक्टर एक निश्चित कंडीशन। इस वीडियो के माध्यम से हम यही बताना चाहते हैं कि आप ट्रैक्टर किसी भी नंबर में चलाएं, लेकिन टायर आपका रोलिंग नहीं करना चाहिए, ये मैं चीज़ होती है। टायर रोलिंग करेगा टायर ज़्यादा खाएगा, ये एक मैं चीज़।